जिस गांव के लोग कुछ साल पहले तक मुफलिसी में जिंदगी गुजारते थे वो आज खुशहाल है। उनकी पहचान बॉलीवुड से हॉलीवुड तक है। चौंकिए नहीं, हम बात कर रहे हैं वाराणसी के पास सराय मोहना गांव की, जिसे मुंबई के मशहूर फैशन डिजाइनर जय रामखियानी ने गोद लिया है। गांव में ज्यादातर बुनकर रहते हैं। जय की कोशिशों की बदौलत घरों में दम तोड़ रहा हथकरघा अब एक नई तान दे रहा है। आज ये गांव सफलता की सीढ़ियों पर कदम दर कदम बढ़ता जा रहा है। हमें खबर पड़ी इस गांव के बारे में कि इस बनारस में काफ़ी भूनकर की स्थिति बहुत ख़राब है। तब हम वाकई मिले यहाँ पर उनसे, हम गांव को ढूंढे, उसका नाम सराय मोहना, और वहाँ के लोगों को हमने सोचा क्यों ना काम दिया जाए। उनको चैरिटी नहीं चाहिए थी, उनको काम चाहिए था। काम उसको हम सोचे हम उनके जरिए काम करेंगे। काम करने के बाद हमने सोचा कि ये क्या करें काम बनाकर, कि हमें बुना कर कहीं तो ऑफलोड करना ही है। तो हमने होटल के यूनिफॉर्म बना के दिए जो दुनिया भर में मशहूर हुए हैं। उसके बाद हमने फैब्रिक्स बनाए जिसकी गादे बनाकर हमने एक्सपोर्ट किया है। गांव जो था पहले 10 साल पहले और जो गांव आज है उसमें बहुत अंतर है। आज उनका प्रोग्रेस बहुत बढ़ रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्रेस अगर हर कॉर्पोरेट अपने देश में या विदेश में चाहे तो पूरे इंडिया को बदल सकता है। एक वक्त था जब बुनकरों ने काम ना मिलने की वजह से कुछ तैनी धंधा छोड़कर मजदूरी करना और रिक्शा तक चलाना शुरू कर दिया था। अब उनके बनाए फैब्रिक्स देश विदेश में धूम मचा रहे हैं। हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली से लेकर बॉलीवुड में अनुष्का शर्मा, बिपाशा बसु समेत कई एक्ट्रेसेस इस गांव के बुनकरों के हाथों से बनी ड्रेस पहनती हैं। यूरोप में भी इनके बनाए कपड़ों की खूब डिमांड है। जय ने यहाँ एक स्कूल भी खुलवाया है जहाँ बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। जय उन पॉलिटिशियन के लिए भी मिसाल है जो महज नाम के लिए गांव को गोद लेते हैं। It's time for a cause with a purpose. And who says fashion designing cannot exist and coexist with the weavers of the world, of the handloom industry? It is definitely a legacy we have to achieve and prove. We have to work together with society which is rural, which is lost today thanks to power looms. We have to create an ambience with them and create lives for them, create work for them to sustain them. And that is where fashion designers have come to work in tandem with these people.